हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डीएवी क्लास 8 सब्जेक्ट है संस्कृत, जिसका हम यहां पर देखेंगे सिलेबस, न्यू सिलेबस जो कि डीएवी के द्वारा जारी किया गया है, और साथ ही साथ डीएवी के द्वारा कुछ सैंपल पेपर्स और उसके आंसर्स के भी जारी किए गए हैं। तो हम यहां पर उस चीज को यहां इस वीडियो में देखेंगे। तो ये देख सकते हैं, ये है संस्कृत का आपका डॉक्यूमेंट जो कि डीएवी सेंटर फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस के द्वारा पब्लिश किया गया है। तो डायरेक्टली हम बढ़ते हैं अपने सिलेबस पोर्शन की तरफ। तो देखिए, आपका जो पेपर होगा वो टोटल होगा आपका 100 मार्क का, जिसमें आपका 80 मार्क का होगा पेन पेपर टेस्ट, और जो 20 मार्क का होगा वो होगा आपका इंटरनल असेसमेंट। तो इंटरनल असेसमेंट में देखिए, जिसको कहा जाएगा आंतरिक मूल्यांकन। तो आंतरिक मूल्यांकन में देखिए, आपके चार चीज आएंगे। सबसे पहला होगा चक्रीय परीक्षा, जो कि होगा आपका पीरियोडिक टेस्ट, जिसमें आपके तीन पीरियोडिक टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, और तीन में से किसी दो का जिसमें आपने बहुत ही अच्छा स्कोर किया है, किसी दो का बेस्ट ऑफ टू लिया जाएगा, और फिर उसको 5 मार्क में रिड्यूस किया जाएगा। तो यहाँ से जो पीरियोडिक टेस्ट है, वहां से आपको यहाँ पर जो 20 नंबर है मल्टीपल असेसमेंट में, इंटरनल असेसमेंट में, यहाँ से आपको 5 मार्क यहाँ पे मिलेगा, जो कि होगा पीरियोडिक टेस्ट के थ्रू। अब जो 5 मार्क है उसको दिया गया है बहुविद्या मूल्यांकन में। तो बहुविद्या में यानी कि मल्टीपल असेसमेंट, तो मल्टीपल असेसमेंट में देखिए आपके बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे। ऑब्जर्वेशन होगा, मौखिक परीक्षा होगा, और ये यहाँ पर ये सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, ये सारे आपके मल्टीपल असेसमेंट में आएंगे। तो मल्टीपल असेसमेंट का आपका अगेन 5 मार्क का है, और यहाँ पर जो तीसरा है वो है आपका पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो आपका 5 नंबर का होगा पोर्टफोलियो, और फिर यहाँ पर देख सकते हैं पोर्टफोलियो के टॉपिक्स यहाँ पर दिए गए हैं, और जो चौथा है वो आपका है सब्जेक्ट रिलेटेड। तो सब्जेक्ट रिलेटेड में देखिए, आपके ये सारे सब्जेक्ट रिलेटेड आपका 5 नंबर का होगा। तो यहाँ पे आपके टोटल 20 मार्क जो कि इंटरनल असेसमेंट में है ये कवर हो जाते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट रिलेटेड में आप देख सकते हैं, आपको कुछ कुछ जैसे कि चित्र वर्णन लिखना, चित्र वर्णन करना हो सकता है, या फिर सुक्ति लेखनम ये हो गया, या पाठ्य सहगामिनी। तो ये सारे चीज आपके इसमें आ जाएंगे सब्जेक्ट रिलेटेड में। अब हम बढ़ते हैं आगे, जो कि है ये विषय सर्वंधन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे टॉपिक्स के अंदर आते हैं। अब जो आपका वार्षिक परीक्षा होगा वो होगा आपका 80 मार्क का। अब 80 मार्क में देखिए, आपको नंबर्स को किस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो अपठित अवबोधनम, अपठित मतलब यानी कि अनसीन पैसेज आपका। तो अनसीन पैसेज में देखिए आपका टोटल आएगा 10 नंबर का, ठीक है। रचनात्मक कार्य, तो रचनात्मक में आपके जैसे कि कुछ ऐसे लिखना हो गया, या फिर लेटर राइटिंग हो गया, या फिर कुछ नोटिस वोटिस, तो ये सब आपका रचनात्मक कार्य में आएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए, यहाँ से आपके बनेंगे 15 नंबर के क्वेश्चन। और फिर जो अगला पार्ट है वो है आपका व्याकरण का। तो व्याकरण में आपके देखिए काफी ज्यादा वेटेज ये कैरी कर रहा है, जो कि है 25 मार्क का। और इसके बाद जो है वो है पठित अवबोधनम, जो कि आपके बुक से क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका वेटेज है आपका 30 मार्क का। तो यहाँ पर आपका जो टोटल वेटेज बनेगा वो बनेगा 80 मार्क का। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो अपठित अवबोधनम है ये कितने शब्दों में आएगा, ये 60 से 80 शब्दों के बीच में आएगा, और इसके बेसिस पे आपको वहाँ पर क्वेश्चंस, मल्टीपल क्वेश्चंस दिए होंगे, उनको वहाँ पर सॉल्व करना होगा। रचनात्मक कार्य में आप देख सकते हैं कि पत्र लेखनम है आपका, जो कि है 5 नंबर का। चित्र वर्णम है, जो कि है 5 नंबर का। चित्र वर्णम या फिर अनुच्छेद लेखनम आएगा, इन दोनों टॉपिक में कोई सा आपको एक करना है। और तीसरा है अनुवाद, आपका इंग्लिश या फिर हिंदी सेंटेंस दिया रहेगा, उसको आपको संस्कृत में अनुवाद करना है, और इस चीज का आपको यहाँ पर मिलेगा 5 नंबर। तो यहाँ पर देखिए आपके 15 मार्क यहाँ पर कवर हो जाते हैं। तो 10 नंबर है अनसीन पैसेज का, और 15 नंबर हो गया ये आपका रचनात्मक कार्य का। अब इसके बाद जो खंड ग है, यहाँ पर देखिए आपका व्याकरण पूछा जाएगा। तो व्याकरण में देखिए आपके ये सारे जो यहाँ पर टॉपिक्स दिए गए हैं, इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आपका व्याकरण पूछा जाएगा, जो कि होगा 25 नंबर का। तो व्याकरण में देख सकते हैं आपका क्या क्या है, संधि पूछा जाएगा, शब्द रूपाणी पूछा जाएगा, और ये सारे टॉपिक, कार्यकारिणी, ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर आपके पूछे जाएंगे। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं उनका मार्क भी यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि संधि है 3 नंबर का, शब्द रूपाणी है 4 नंबर का, और संड खया है 3 नंबर का, कार्यकारिणी है 4 नंबर का। तो इस तरीके से आपके काफी सारे में इसको मार्क को डिवाइड किया गया है 25 नंबर को। धातु रूपाणी यहाँ पर अगेन देखिए 4 नंबर का है, और धातु रूपाणी में देखिए आपको ये सब यहाँ पर पढ़ने होंगे। फिर उसके बाद है प्रत्यय, ये है
तो यहाँ पर देखिए आपको काफी सारे टॉपिक्स यहाँ पर व्याकरण में दिए गए हैं और उनका यहाँ पर डिवाइड मार्क को भी यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है। आप यहाँ से देख सकते हैं जैसे कि प्रत्यय हो गया, ये उपसर्ग हो गया, तो यहाँ पर इन सब चीजों के ऊपर आपको एक व्याकरण को तैयार करना होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पर देखिए जो आपका पेपर होगा, पेपर में जो खंड घ होगा, तो खंड घ में देखिए आपके पठित बोधनम आएगा जो कि होगा आपका बुक से, तो यहाँ पर गद्यांश होगा जो कि होगा 5 नंबर का, नाशार्थ होगा जो कि आपका 5 नंबर का होगा, भावार्थ होगा 2 नंबर का, और प्रश्न निर्माण होगा आपका 4 नंबर का। श्लोक श्लोक को हिंदी हिंदी में आपको उसका भावार्थ लिखना होगा, ये होगा 2 नंबर का, और कथा ये 3 नंबर का होगा, और शब्दार्थ चयनम होगा 4 नंबर का। तो ये इन सब टॉपिक से आपके पठित बोधनम में आएंगे जो कि यहाँ पर आपका जो टोटल वेटेज कैरी कर रहा है जो कि है 30 नंबर का। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके चैप्टर्स कौन कौन से आएंगे, आपका जो संस्कृत बुक है उसमें चैप्टर कौन कौन से आएंगे। पहला चैप्टर पूछा जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पूछा जाएगा, छठा पूछा जाएगा, सातवा पूछा जाएगा, आठवा, नौवा, दसवा, ग्यारहवा। जो 12th चैप्टर है ये आपका नहीं, ये आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये केवल पढ़ने के लिए आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये आपके परीक्षा में, फाइनल एग्जामिनेशन में ये चैप्टर आपका नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पर एक चैप्टर को रिड्यूस कर दिया गया है संस्कृत के सिलेबस में। तो ये था आपका संस्कृत का सिलेबस। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका सैंपल पेपर कैसा होगा, और सैंपल पेपर के साथ साथ आपका जो संस्कृत का जो क्वेश्चन पेपर का डिजाइन होगा वो किस तरीके का होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है संस्कृत का डॉक्यूमेंट जो कि DAV सेंटर फॉर एकेडमिक एक्सेलेंस के द्वारा पब्लिश किया गया है न्यू दिल्ली पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका प्रश्न का प्रारूप है, क्वेश्चन पेपर का जो डिजाइन है वो किस तरीके का होगा। तो अभी अभी हमने देखा कि आपका जो अनसीन पैसेज है वो आएगा 10 नंबर का, रचनात्मक कार्य जो है यानी कि आपका राइटिंग स्किल आएगा 15 मार्क का, और जो आपका व्याकरण है ग्रामर आएगा वो होगा 25 नंबर का, और पठित बोधनम जो कि आपके सब्जेक्ट रिलेटेड से होगा, सब बुक से पूछा जाएगा क्वेश्चन एंड आंसर, वो होगा 30 मार्क का। तो टोटल आपका यहाँ पर जो वेटेज बन रहा है वो बन रहा है 80 मार्क का, और आपका जो पेपर होगा वो होगा 3 घंटे का। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपके पेपर में चार तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन और आंसर। पहला होगा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, दूसरा होगा शॉर्ट आंसर टाइप 2, फिर होगा शॉर्ट आंसर टाइप 1, और फिर होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका मार्किंग जो वेटेज है यहाँ पर हो जाएगा 21, और जो शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चन है टोटल 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका वेटेज हो जाएगा 11 मार्क, और जो वेरी शॉर्ट आंसर है वो यहाँ पर देखिए 11 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका वेटेज हो जाएगा 8 मार्क का, और बहुवैकल्पिक यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 40 पूछे जाएंगे जिसका वेटेज होगा 40 मार्क का। तो टोटल आपके पेपर में 66 क्वेश्चन रहेंगे जिसका आपका वेटेज रहेगा 80 मार्क का। तो ये सब चीज जो अभी हमने देखा ये वही सब चीज है। अब यहाँ पर देखिए आपके जो पेपर है उसको 2 भाग में डिवाइड किया जाएगा, भाग अ और फिर आ, ठीक है। जो भाग अ रहेगा उसमें सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, और जो भाग आ रहेगा उसमें आपका वर्णनात्मक कार्य रहेगा यानी कि आपको वहां पर लिखना पड़ेगा, राइटिंग स्किल वहां पर आपका रहेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका डिफिकल्टी लेवल रहेगा पेपर का वो किस तरीके से रहेगा। तो 10% ऐसे प्रश्न रहेंगे जो आपके डिफिकल्ट रहेंगे, 50% ऐसे प्रश्न रहेंगे जो कि सामान्य रहेंगे यानी कि एवरेज स्टूडेंट भी इनको कर सकते हैं, और 40% क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिनको जो रहेगा सरल, ठीक है, जिसको सारे बच्चे यहाँ पर अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए जो आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है उसको आपको लिखना है 50 से 80 शब्दों के बीच में, ठीक है, और जो शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चन है उसको आपको लिखना है 10 से 30 शब्दों के बीच में, और जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है आप उसको 1 लाइन में लिख सकते हैं, और साथ ही साथ जो आपका बहुवैकल्पिक है यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसमें बस आपको टिक करना है, जो ऑप्शंस वहां पर प्रोवाइड किया गया होगा बस आपको आंसर शीट में करेक्ट ऑप्शन को यहां पर लिखना है। अब यहां पर आप देख सकते हैं ये आपका है सैंपल पेपर, सैंपल पेपर 1 है जो कि है आपका एकेडमिक सेशन 2021 और 2022 के लिए। तो आपका जो समय सीमा रहेगा वो रहेगा 3 घंटे का, और जो आपका संपूर्ण अंक रहेगा वो रहेगा 80 मार्क का। तो यहाँ पर वही सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन की जैसे कि पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, अ और आ में, अ में आपका है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और आ में है आपका राइटिंग वाला पोर्शन। अब यहाँ पर जो भी आप लिखेंगे तो उसमें आप प्रॉपरली क्लियरली मेंशन करेंगे आपके आंसर शीट में कि आप किस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर कर रहे हैं,
और आपके सारे प्रश्न को केवल संस्कृत में ही यहाँ पर आंसर करना है, ठीक है? केवल संस्कृत में ही आपको यहाँ पर आंसर करना है। तो ये आप देख सकते हैं आपका सैंपल पेपर, यहाँ पर देखिए भाग अ चालू होता है जहाँ पर मल्टीपल चॉइस सारे क्वेश्चन है जो कि हैं 40 मार्क के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे मल्टीपल चॉइस है। यहाँ पर देखिए ये पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 3 नंबर का। यहाँ पर टोटल आपके 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन 4 में से केवल आपको 3 को ही अटेम्प्ट करना है। अगर आपने 4ों को अटेम्प्ट कर दिया है तो आपका फर्स्ट 3 को काउंट किया जाएगा और जो लास्ट वाला है उसको काउंट आपका नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस वाले और यहाँ पर 2 है, तो आपको कितनी 3 ही को अटेम्प्ट यहाँ पर करना है 4 में से, और करेक्ट ऑप्शन को आपको आंसर शीट में लिखने होंगे। अब अगेन देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में 5 क्वेश्चन दिए हैं, टोटल 5 में से आपको अटेम्प्ट करना है केवल 4 क्वेश्चन को। तो इसका यहाँ पर देखिए वेटेज है 4, सारे क्वेश्चन का जो मार्क है वो है 1-1 मार्क का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, लेकिन आपको केवल अटेम्प्ट कितना करना है 4 करना है। आप किन्हीं 4 प्रश्नों का ही यहाँ पर उत्तर करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, लेकिन 4 में से आपको केवल किन्हीं 3 प्रश्न का ही उत्तर यहाँ पर करना है। 4ों क्वेश्चन यहाँ पर है मल्टीपल चॉइस। अब अगेन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपके टोटल 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन 5 में से आपको अटेम्प्ट करना है 4। यहाँ पर आप उसका वेटेज देख सकते हैं कि सारे प्रश्न होंगे 1 मार्क के, तो टोटल आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं 5 में से। क्वेश्चन नंबर 5th यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th में अगेन 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं, 5 में से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है? जो कि सारे क्वेश्चन होंगे 1 मार्क के यहाँ पर भी। तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन के साथ आपके 3 मल्टीपल ऑप्शन दिए हैं, 3 में से आपको किन्हीं एक को जो सही उत्तर है उसको सेलेक्ट करके आपको आंसर शीट में लिखना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में 4 मल्टीपल चॉइस है जिनमें से आपको केवल अटेम्प्ट करना है 3 ही को अटेम्प्ट करना है, ठीक है? क्योंकि सारे एक एक नंबर के हैं और यहाँ पर 3 क्वेश्चन के ही आपको नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में 3 दिया गया है आपको क्वेश्चन, लेकिन अटेम्प्ट आपको कितना करना है, केवल 2 क्वेश्चन को ही यहाँ पर अटेम्प्ट करना है, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड में मार्किंग स्कीम और उस हिसाब से आप क्वेश्चन को यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पर वैसे लिखा भी है आपको कितना अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आपको 2 क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं, लेकिन 2 में से केवल आपको 1 ही क्वेश्चन का ही आंसर यहाँ पर देना, नहीं 2 क्वेश्चन का आंसर देना। 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनमें से आपको आंसर करना है 2 क्वेश्चन का, ठीक है? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर 3 है जिसमें से आंसर आपको करना है 2 का। अब यहाँ पर देखिए ये है पठित अवबोधनम, ठीक है? ये जो है आपके बुक्स से पूछे गए हैं ये सारे। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए 6 दिए हैं, 6 में से आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, टोटल 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं। टोटल 6 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं जिसमें से आप केवल अटेम्प्ट करेंगे 5 क्वेश्चन को, ठीक है? अब यहाँ पर अगेन क्वेश्चन नंबर 10 में आप देख सकते हैं 5 क्वेश्चन आपको दिए हैं, लेकिन आपको अटेम्प्ट कितना करना है यहाँ पर, अगेन 4 अटेम्प्ट करना है। इनका उचित अर्थ बताना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए आपके टोटल पूछे गए हैं 7, 7 में से जितने आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, टोटल 6 क्वेश्चन को यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। एट क्वेश्चन है यहाँ पर, 8 में से लिख देखिए आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, टोटल 6 प्रश्न को ही यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है? तो यहाँ पर अ आपका भाग समाप्त होता है। अब यहाँ से जो भाग है वो है आ। तो यहाँ तक आपके थे एमसीक्यू क्वेश्चन, अब यहाँ से आपका राइटिंग स्किल चेक किया जाएगा, ठीक है? तो
तो यहाँ पर आपको सारे सेंटेंस में ही आंसर करने हैं, और आप जो भी आपका सेंटेंस होगा वो हिंदी में नहीं रहेगा, वो सारा रहेगा संस्कृत भाषा में। और ये सेक्शन का भी अगेन ये देखिए 40 नंबर का है। तो पहला जो आपका दिया है वो है अपठित अवबोधन अनसीन पैसेज, यहाँ पर दिया गया है। इस पैसेज को आपको पढ़ना है जो कि है क्वेश्चन नंबर 12th में, और ये पैसेज देखिए आपका 10 नंबर का है। इस पैसेज को पढ़ना है और नीचे दिए गए आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को यहाँ पर आंसर करना है। तो इस पैसेज को आप पढ़ेंगे और फिर ये यहाँ पर देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप इनको आंसर करेंगे। यहाँ पर साइड में आप नंबर देख सकते हैं कि ये कितने मार्क का है, 2 मार्क का है, और ये है आपका 4 मार्क का यहाँ पर, ये है थर्ड क्वेश्चन और ये फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पर 3 मार्क का है, तो इनमें से केवल आपको 3 का ही उत्तर यहाँ पर देना है। टोटल 4 क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं जिनमें से आपको केवल 3 का ही उत्तर यहाँ पर देना है। अब फिर ये देखिए जो अगला जो पार्ट है वो है आपका रचनात्मक कार्य। तो रचनात्मक कार्य में देखिए आपसे पहला क्या पूछा कि पहला यहाँ पर लेटर राइटिंग है। लेटर राइटिंग देखिए आपका 5 नंबर का है। तो यहाँ पर जितने भी खाली स्थान दिए गए हैं, खाली स्थान में आपको सही संस्कृत शब्द को यहाँ पर भरना है, और हर एक शब्द का जो मार्क रहेगा वो रहेगा टोटल हाफ मार्क। तो ऐसे करके आपको 10 खाली स्थान दिए हैं जिसका मार्क हो जाएगा टोटल 5 मार्क। ठीक है, तो 10 खाली स्थान में आपको संस्कृत फिलिंग द ब्लैंक्स है, ये यहाँ पर आपको संस्कृत शब्द यहाँ पर भरने हैं जो कि यहाँ पर सही बैठेंगे, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर नंबर दिया जाएगा जो कि होगा 5 मार्क का। ये क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शंस भी यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं, आप यहाँ से शब्दों को उठा के उसके खाली जगह पर सही स्थान पर वहां पर भर सकते हैं। अब अगला जो है वो है आपका इस पिक्चर को देख के आपको वाक्य लिखने हैं। ठीक है, तो ये है आपका पिक्चर राइटिंग का। अब यहाँ पर देखिए ये कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं, इनके ही कीवर्ड्स को लेकर आपको यहाँ पर एक पैसेज लिखना है। या तो आप इन कीवर्ड्स का यूज कर सकते हैं या फिर यहाँ पर नीचे दिए गए इन कीवर्ड्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इन कीवर्ड्स का यूज करके आप सेंटेंस लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये आपके क्वेश्चन नंबर 15th में 5 क्वेश्चन है। 5 में देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको अनुवाद करना है। हिंदी इंग्लिश में सेंटेंस दिया है, इसका आपको अनुवाद करना है संस्कृत में। संस्कृत में अनुवाद करके आप इसको लिखेंगे। तो टोटल देखिए यहाँ पे 7 क्वेश्चन दिए गए हैं, 7 में से आपको केवल अटेम्प्ट करने हैं 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो इन 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे इनके और इसका संस्कृत अनुवाद यहाँ पर लिखेंगे आप। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर जो 16 है यहाँ से आपका चालू होता है पठित अवबोधनम्, मतलब यहाँ से आपके जो सारे बुक के रिलेटेड क्वेश्चन है वो यहाँ पर पूछे जाएंगे। बुक्स के रिलेटेड क्वेश्चन में जो आपके चैप्टर्स में है, तो ये देखिए आपका एक पठित पैराग्राफ है जो कि आपके बुक से ही उठाया गया है किसी चैप्टर से, और इसके बेसिस पर यहाँ नीचे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन क्वेश्चंस के उत्तर आपको यहाँ पर करने हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको 2 क्वेश्चन को यहाँ पर करना है जिसका अगेन एक एक क्वेश्चन का जो मार्क होगा वो हाफ नंबर का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपका अ है ये है 1 नंबर का, और ये जो आ है यहाँ पर है 2 नंबर का। यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3 में से आपको किन्हीं 2 क्वेश्चन को ये अटेम्प्ट करना है, और यहाँ पर इसका मार्क है 1 और 1। और ये देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17th में भी देखिए यहाँ पर कुछ संस्कृत में कुछ लिखा हुआ है, इसको पढ़कर आपको ये नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर करने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 प्रश्नों के उत्तर करने हैं, 3 पूछे गए हैं, लेकिन आपको उत्तर कितने के करने हैं, बस 2 के कहीं करने गए हैं, और यहाँ पर हर एक प्रश्न का जो है मार्क वो है हाफ मार्क। तो यहाँ पर जो टोटल वेटेज बनता है वो बनता है 1 नंबर का। अब आ में देखिए 3 प्रश्न अगेन यहाँ पर पूछे गए हैं, लेकिन आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, 2, और यहाँ पर देखिए जो मार्क है हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क है, तो यहाँ पर जो वेटेज बनता है वो टोटल 2। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 पे देखिए एक नाटक से दिया हुआ है, तो इस नाट्य को पढ़ के आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इस नाटक को आप पढ़ेंगे जो कि आपका दिया हुआ है ये संस्कृत में, और इसके आधार पर
आप नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अ में तीन प्रश्न पूछा गया है आपसे, जिसमें आपको दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं और हर एक प्रश्न यहाँ पर है आधा आधा नंबर का। तो जो पार्ट अ है इसका वेटेज देखिए टोटल है 1 मार्क का। अब पार्ट जो अ है आ है, यहाँ पर देखिए अगेन तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर एक क्वेश्चन का यहाँ नंबर है 1 आपको, लेकिन आंसर कितने करने हैं केवल 2 क्वेश्चन, तो यहाँ से आप 2 नंबर स्कोर कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए ये है फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये जो 4 फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं, यहाँ पर इनमें आपको सही संस्कृत शब्द को यहाँ पर फिल करना है, जो कि यहाँ पर नीचे दिया गया है। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में भी आपको वही चीज है, फिलिंग द ब्लैंक्स का ही है। यहाँ पर एक संस्कृत का सेंटेंस दिया गया है, उसका यहाँ पर आपको भावार्थ करना है, और नीचे दिए गए हैं कुछ कीवर्ड्स, उनको आपको यहाँ पर फिल करना है, जो कि खाली स्थान पर सही जगह पर बैठेंगे। अब ये देख सकते हैं आपका, ये है क्वेश्चन नंबर 21। ये जो है ये सारे आपके जो चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हर एक प्रश्न है आधे नंबर का, तो आपको 4 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देने हैं, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देने हैं, ठीक है। सारे प्रश्न हैं आधे नंबर के, तो 4 का यहाँ पर आपको उत्तर देना है, जिस कारण से इसका जो वेटेज है वो बन जाता है 2 नंबर का। अब यहाँ पर यहाँ से चालू होता है आपका आंसर की, तो यहाँ पर आप आंसर की देख सकते हैं। मैं सारे को रीड तो नहीं करूँगा, मैं बस स्क्रॉल करते जा रहा हूँ। आप सैंपल पेपर को सॉल्व करिए पहले, और उसके बाद आप अपने खुद के आंसर्स को यहाँ पर आंसर की के साथ मैच करिए, और खुद अपने आप को यहाँ पर स्कोर दीजिए कि आप सैंपल पेपर को सॉल्व करके आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर ये सारे जो हैं ये मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन थे, जो कि थे 1-1 नंबर के। आप प्रश्न में बस ये ध्यान रखने कि आपको उसमें कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न में ज्यादा प्रश्न वहाँ पर पूछे गए हैं, लेकिन आपको वहाँ पर कुछ अटेम्प्ट कम प्रश्नों को ही करना है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। यह क्वेश्चन नंबर 4th का आंसर, यहाँ 5th का दिया हुआ है, यहाँ 6th है, ये 7th, ये पूरा 8th का, यहाँ पर 9th, ये सारे 1-1 मार्क वाले क्वेश्चन थे, ये 10th क्वेश्चन भी आपका 1 नंबर वाला था, 11th का भी आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ से जो आपका भाग आ है ये चालू होता है, जो कि आपका था, ऊपर वाले तो सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे या फिर 1 वर्ड आंसर थे, यहाँ पर जो आपको लिखना है ये आपको वाक्य लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12th का आंसर, क्वेश्चन नंबर 13, पत्र लेख नंबर पूछा गया था यहाँ पर, फिलिंग द ब्लैंक दिए गए थे, तो ये सारे करेक्ट ऑप्शंस वहाँ पर फिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 14, चित्र का वर्णन करना था वहाँ पर, अनुच्छेद लेखनम था, और साथ ही साथ दोनों में से आप कोई एक को ही अटेम्प्ट करेंगे, या तो चित्र लेखनम या फिर अनुच्छेद लेखनम। क्वेश्चन नंबर 15, ये सारे उसके आंसर्स हैं। अब यहाँ से आपका चालू होता है पठित अवबोधनम, जो कि आपके 4 चैप्टर से पूछे गए थे, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 19, ट्वेंटी, 21,
तो ये था आपका संस्कृत का सैंपल पेपर और साथ ही साथ उसका आंसर की, और साथ ही साथ हमने यहाँ पर उसका सिलेबस के पोर्शन को भी देखा कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक चैप्टर को बस यहाँ पर रिड्यूस किया गया है जो कि आपका लास्ट चैप्टर नंबर 12। सो गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।